भात खा। देखो 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 ये देखो भातो देंगे भातो भातो। देखो कैसे मियां भातो खा रहा। देखो 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 कैसे भातू खा रहा मियान है ना आदू आदू भातू दिया मियान को है ना आदू। देखो देखो कितना नाइन और मियान नाइन मियान है। तुम अकाउंट कर लिया? नहीं 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 करो मियान नहीं मियान नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारा है बेटा। देखा कैसे मियां लोग भातू खा रहा है। गुड मॉर्निंग हो गया ना इसीलिए मियां भातू खा रहा है। हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग सब। एज यूजुअल आप देख रहे थे हम सिया सीड खा रहे हैं और पहले देखे कि हम पिजियन को मतलब आदि का भाषा में मियान को भातू दे रहे थे यानी मतलब दाना दे रहे थे कबूतर को। और अभी चिया सीड पी ले रहे और आदि का तबीयत बहुत ख़राब है। सुबह उठ के देखे सर्दी खांसी है आदि को और उसके बाद देखिए अभी हम इसको सूजी खिलाएंगे। और बहुत जल्दी आज उठ गया है 6 बजे मेरे साथ ही उठ गया है और हम तो झाड़ू कर दिए हैं और मम्मी गई है मार्केट कुछ सामान वन लाने के लिए। आलू वगैरह नहीं है इसीलिए। तो इधर देखिए बिस्किट और चाय अभी बना लिए हैं और हस्बैंड भी जल्दी निकलते हैं ना 9 बजे का 9:15-20 तक निकल जाते हैं इसीलिए सब फटाफट करना पड़ता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल लुकुट डॉट राकेश ब्लॉग्स। कैसे हो आप लोग सब, उम्मीद करते हैं सब अच्छे हैं। हम भी अच्छे ही हैं, बस तबीयत थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। आपको बहुत दिन से बोल रहे हैं पता नहीं क्यों गड़बड़ चल रहा, शायद मौसम चेंज के कारण। आदि को भी बहुत खांसी हो गया, बुखार हुआ था ठीक हो गया, फिर अभी खांसी हुआ, आज से चालू हुआ खांसी हुआ तो भी बंद नहीं हो रहा है, मतलब सुबह से दिख रहे खांसी खांसी है। तो अब देखिए कि हम सुबह से मतलब काम वाम कर रहे थे, मम्मी अभी गई थी मार्केट तो वहाँ से आलू वगैरह जो घर में सामान होता है वही सब लाई है, था नहीं आलू सब। तो अभी ना हम गैस में चढ़ाए हैं आलू प्रेशर कुकर में सिंचने के लिए, तो वो हो गया है और झाड़ू भी हो गया है। आप पोछा बाद में करेंगे, आदि को उसका पापा सुला दिए फिर से क्योंकि 6 बजे उठ गया था, उसको भी खिला दिए सूजी का खीर। और अभी हम जा रहे हैं बनाएंगे आलू, इसलिए सिंझाने दिए क्योंकि ना आज बनेगा हस्बैंड को टिफिन में देंगे आलू पराठा देंगे। तो एक्चुअली ना बहुत प्रॉब्लम होता है ऐसे करके बात करने में, मेरे पास स्टैंड है मगर हर समय ना स्टैंड नहीं होता है, तो सेल्फ स्टिक खरीदना ही पड़ेगा। तो अभी जा रहे आलू पराठा बनाएंगे, तो चलते हैं आलू पराठा बनाने के लिए। अभी हो रहा है 8:25 तो बहुत लेट हो जाए, जितना भी जल्दी उठते हैं ना फिर भी मोबाइल देखते हैं, ये देखते हैं वो देखते हैं, आदि को देखना पड़ता है तो लेट हो ही जाता है। तो अभी चलते हैं फटाफट से बनाते हैं आलू पराठा और पहले हस्बैंड को रेडी कर देते हैं, फिर हम लोग नाश्ता करेंगे, फिर पैक भी कर देंगे, फिर हस्बैंड को नाश्ता भी देंगे चाय के साथ, तो वही बनेगा। अब चावल में हम लोग जो बनेगा बाद में बताते हैं, तो चलते हैं फटाफट से सब रेडी कर लेते हैं। तो गाइस इधर देखिए हाँ पराठा बन चुका है, हस्बैंड को दे दिए है 3 पराठा और इधर और बन रहा है। तो गाइस पहले ना आलू को फ्राई कर लिए, तो आप लोग कैसे बनाते हो आलू पराठा। हम तो प्याज मिर्चा धनिया पत्ता और ये सब और अजवाइन थोड़ा देखिए इसको क्रश करके तो बनाती हूँ और उसके बाद फ्राई कर लेती हूँ आलू को, तो ना टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो इधर देखिए हस्बैंड खा रहे हैं और इधर उनका मार्केट चल रहा है मतलब जी बिजनेस चल रहा है और आदि तो सो रहा है, अच्छा है। तो गाइस पराठा बन गया है और हस्बैंड को भी पैक कर दिए और
हम भी अभी नाश्ता लेके बैठे हैं और मम्मी भी नाश्ता करेगी। पूरा पसीना पसीना हो गया है, मतलब किचन में जाओ तो पसीना होके आओ और किचन में घुसने का समय ना कोई पसीना नहीं होता है, मगर वहाँ से वापस आएंगे ना पसीना से भर जाते हैं। सर अभी भी सो रहे तो इन पापा इनको सुला के गिए है सर को। मच्छरदानी ना झुकमुट का पड़े रहता है क्योंकि ना वो हस्बैंड गुड नाइट तो लाई है, वो मैक्स वाला गुड नाइट जलते रहता रात में, मगर ये वाला को ना धो करके सोच रहता रख देंगे क्योंकि जो काम नहीं आता तो क्या क्या करें। तो चलिए गाइस अभी पराठा, किसको किसको आलू पराठा पसंद है, मेरे को तो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, मगर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ना। तो अभी कर लेते हैं नाश्ता, फिर नाश्ता करने के बाद मिलते हैं। ये देखो गाइस, ये ना नीचे ना अमरूद गाछ ना तोड़ दिया है, बहुत कीड़ा होता है और अभी ना बरसात का समय है ना तो बहुत ज़्यादा सांप बिच्छू ये सब आता है, तो इसीलिए जो घर मालिक है वो बोला कि सब काट दो, और दूसरा का घर में भी गाछ घुस रहा था अमरूद गाछ तो काट दिया। तो मम्मी नीचे अभी फूल तोड़ने गई थी, देखिए कितना सारा अमरूद लाए हैं। ये अमरूद अच्छा है मगर अंदर में ना बहुत कीड़ा रहता है, देख देख के खाना पड़ता है। तो हमने ना एक अमरूद देखिए खा लिए है और उधर एक खा रहे थे, तो हम सोचे कि आप लोग को भी दिखा दें। मेरे को अमरूद बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मतलब सब फल फल में अमरूद बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है, तो वही खा रहे थे। मगर खांसी है, अभी हस्बैंड सुनेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, तो एक दो तो खाएंगे फिर रख देंगे। के बाद आपके सामने आए हैं और यहाँ देखिए मम्मी बना रही है, यहाँ ना घी बनाएगी, तो मम्मी इसके लिए ना दूध का जो छाला पड़ता है तो वो सबको इकट्ठा करती है और हफ्ता में ना थोड़ा थोड़ा करके घी बनाती है। वही जो यहाँ पे सूधा दूध है, वही पैकेट दूध वाला वही, और यहाँ पे बन रहा है चावल और करेला, करेला का चोखा बनाएंगे, आलू देखिए थोड़ा सा सुबह का आलू है, और साग बनेगा लाल साग, कल हस्बैंड लाए थे, कल संडे था ना, तो कल हस्बैंड लाल साग लाए थे तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, सड़ गया है, उसमें पानी देके रहता है ना, तो इसीलिए आदि का इतना कफ है कि क्या बोले, खाली सर्दी गिर रहा है, नाक से सर्दी गिर ही रहा है। बाबू तो अभी ना आप लोगों को सामने एक चीज़ हम दिखाएंगे, क्या हो गया आलू नहीं देखना है मोबाइल। और तो गाइस बहुत ज्यादा सर्दी हो गया आदि को, इसीलिए आदि एकदम नहीं रह रहा है, खाली मोबाइल देख रहा है और एक जरा उसको अच्छा नहीं लग रहा है ना बाबू। अच्छा ठीक है, तो गाइस आप लोग के लिए एक चीज लेके आई हूँ और वो अभी हम यूज़ करेंगे, तो आपको फुल इसके मतलब सिर्फ चीज़ बताएंगे। तो उसका पहले हम बता देते हैं आज का मेनू में क्या है, तो चावल बन रहा है, दाल आज नहीं बनाएंगे, और आपको शायद बोले ही है तो माफ़ी नहीं करने दे रहा है, तो वही साग बनेगा लाल साग, करेला आलू का चोखा बनेगा, और अंडा को ना उबाल ले दिए हैं, वही भी बनेगा, सिंपल सा खाना बस सही बनेगा। और उसका पहले हम नहाएंगे, आदि को भी थोड़ा सा फ्रेश करा देंगे, हल्का सा नहला देंगे, और उसके बाद रुक नहीं करो बाबू, उसके बाद फिर खाना वाना खाएंगे। तो ठीक है आते हैं आप लोग के पास स्पेशल वाला ट्रीटमेंट लेकर के। तो गाइस आपको बोले थे इसको स्पेशल दिखाए के, तो ये है देखिए, ये है हेयर मास्क, मैंने ये होममेड हेयर मास्क यूज़ कर रही हूँ, करूँगी अपना बाल में, तो इससे ना आपको स्मूथ सिल्की और बिना मतलब जिसका बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं ये सब नहीं टूटेगा गाइस, और बहुत ही इजी एंड फटाफट बन जाएगा, बहुत स्मूथ बनता है ये वाला, आप मास्क ज़रूर यूज़ करें, हम तो यूज़ करते हैं हफ्ता में एक दिन, तो आप भी प्लीज़ एक बार यूज़ करें। और जिसका ज़्यादा प्रॉब्लम है हेयर में, चिपचिपाहापन और हेयर झड़ता है, डैंड्रफ है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा गाइस। तो चलिए इसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं तो चलिए सब बताते हैं, तो देखते रहिए मेरा वीडियो और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो ये देखो गाइस मेरा पूरा मिक्सचर तैयार है,
और यहाँ है पूरा सब कुछ एलोवेरा। और जिन लोगों के पास मतलब ऐसे इंस्टेंट जो घर में होता है एलोवेरा वो जगह नहीं है, इंस्टेंट नहीं बोलेंगे, प्योर एलोवेरा अगर नहीं है उन लोग बाजार वाला पतंजलि वाला भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छा है। तो अंडा और इसके साथ अगर आप लोग ऐड कर सकते हो प्याज का रस तो उसमें और बढ़िया फ़ायदा होगा गाइस, एकदम बाल झड़ना बंद हो जाएगा। आप लोग एक बार ट्राई करके देखना। तो हमने तो यूज़ करते हैं, बहुत कम ही यूज़ करते हैं, आजकल तो यूज़ नहीं कर पाते ज़्यादा देर, मतलब सर्दी हो जाता है, ज़्यादा देर रखना भी नहीं है। हाफ एन आवर रखो तो बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो 40 मिनट्स रखोगे तो और अच्छा है। तो गाइस देखिए हम पूरा मिक्सचर यहाँ पे बना लिए हैं और हम अब हम लगाएंगे अपने हेयर में। अब हेयर को खोल लेते हैं और हम अब हेयर से फटाफट लगा लेते हैं, पूरा हेयर कवर करेंगे। अगर नीचे पोर्शन नहीं भी होता तो चलेगा, मगर ऊपर पोर्शन का काम है क्योंकि रूट से ही यहाँ से ही बाल झड़ता है। तो चलिए लगा लेते हैं और फिर मैं। तो गाइस ये देखो हमने तो पूरा लगा लिए हैं और चिटकी में लगा लिए हैं पूरा पेस्ट। तो अब ये रखेंगे आधा घंटा के लिए, ज़्यादा देर रखेंगे तो फिर सर्दी आ जाएगा। और नहा धुआ करके फ्रेश हो करके हम आते हैं, तो फिर मिलते। हम नहा धुआ करके आ गए हैं और अभी पूरा बाल बांध के रखे हैं, शैम्पू कर लिए हैं और अभी देखिए ये आदि को खिलाना पड़ रहा है, ऐसे करके सर्दी हो रहा ना तो नहीं खा रहा है। यहाँ पे हम पूरा पीस लिए हैं हाथ से, यहाँ है थोड़ा सा साग दिए हैं और अंडा है, आलू है बस, थोड़ा सा चावल देके इसको पीस दिए हैं, नहीं तो इसको ना चम्मच से ही खिलाना पड़ेगा गोद में लेके, नहीं तो नहीं खाएगा। तो पहले इसको खिला देते हैं, हम खा लेते हैं, उसके बाद हम आपका अपना हेयर दिखाते हैं तो कैसा मतलब सॉफ्ट शाइनिंग हुआ है, पता दे रहे हैं। सो तेरा नींद हो रहा है बाबू, नींद हो रहा तेरा। गुड आफ्टरनून, अभी बज रहा है 3, अब देख सकते हो वहाँ 3 बज रहा है और थोड़ा एसी चालू किए, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था और आदि को इतना देर में खिलाए, 1:30 बजे खाट खिलाने बैठे थे, उठे हैं 2:10 में और खा नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत कर रहा था, फिर ज़ोर ज़बरदस्ती खिलाए, फिर सुलाने में दिक्कत, तबीयत खराब होने से जो होता है वही बात है, दवाई खिला दी उसको तो और अभी बैठे हम भी खाना खा के अभी आए हैं। तो गाइस आप देख सकते हो हम बैक कैमरा करके और फ्रंट कैमरा करके भी दिखाए हैं कि कितना ज़्यादा सिल्की सिल्की और शाइन हो रहा है बाल, और एक भी बाल टूट नहीं रहा है गाइस, एक भी बाल, ये देखो मोचोड़ो कुछ भी करो एक भी बाल नहीं टूटेगा, क्योंकि ना इस बाल को हेल्दी करता है और ना इसमें बाल में ना हेयर में प्रोटीन दिलाता है। और इसमें आप लोग चाहे ना प्याज का एक गोटा प्याज का रस भी ऐड कर सकते हो, इसमें ना और ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इसको तो हम बहुत पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, आप लोग भी चाहे तो ट्राई करो। यही था मेरा हेयर केयर, और इतना बिजी मतलब बिजी मॉम होने के बाद भी हम मतलब हेयर केयर करते हैं, क्योंकि अभी अगर हेयर केयर नहीं करेंगे तो बाद में झड़ जाएगा हेयर, सब चढ़ा हो जाएंगे गाइस। तो आप लोग भी जिन लोग मॉम हो, जिन लोग ऐसे भी जिन लोग का मतलब मैरिज नहीं हुआ, उन लोग भी ऐसे करके हेयर केयर कर सकते हो, इसमें ना बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हेयर ग्रोथ होगा, आप लोग खुद ट्राई करो। अभी तो मेरा हेयर इतना छोटा है, मगर पहले तो आप देखें ये पहला वीडियो में कितना बड़ा मेरा हेयर था, मगर अभी काट दिए गर्मी के लिए। तो गाइस ऐसे करके आप लोग हेयर केयर अपना होम में ही कर सकते हो और ज़्यादा पैसा खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर में जाओगे पार्लर में जाओगे आपको हेयर केयर मतलब क्या वहाँ पे एक एक स्पा का चार्ज है 4,000-5,000 रुपया करके,
तो वैसा कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको स्पा करना। ये आपको स्पा भी होगा, आपका हेल्दियर होगा, इसमें लेंथ भी बढ़ेगा, आपको ग्रोथ होगा, हेयर हेयर झड़ना कम हो जाएगा, हेयर में जितना डैंड्रफ रहेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, जो दो मुहा बाल होता है ना गाइस, टू साइडेड बाल जो होता है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। क्योंकि ना वो सब क्यों होता है, वो सब होता है क्योंकि बाल को प्रोटीन नहीं मिलता है। और एक तो होता है पतला बाल और एक तो होता है मोटा बाल कौन सा होता है, जिन लोग ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है, और पतला बाल होता है कि उसको प्रोटीन ही नहीं मिलता है। तो गाइस ये यूज़ करो क्योंकि अंडा में होता है प्रोटीन और एलोवेरा में तो खूब खूब सारा मतलब फ़ायदे तो आप लोग जानते ही हो। तो गाइज हम उम्मीद करेंगे कि, और थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाले थे हम, कैस्टर ऑयल बाल को कितना ज़्यादा ग्रोथ करते हैं आप लोग तो जानते ही हो, और नींबू डैंड्रफ घटाता है। तो ये सब यूज़ करो और देखो फायदे देखो गाइज। तो जय गाइज, आज का वीडियो यहीं तक था। तो हम यही वीडियो बनाए कि आप लोग को भी हेल्प हो जाए और मेरा भी यूज़ हो जाए, क्योंकि हम हेयर केयर बहुत दिन से नहीं कर रहे थे, हेयर एकदम ख़राब हो चुका था। तो अभी देखिए सिल्की एंड साइन हेयर हो गया है, अभी बाल अच्छा से सूखा नहीं है तो सूखने के बाद और अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है गाइज, आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। और जिन लोग नए हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि पहले वीडियो मेरा ही पहुँचे आपके पास। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।